Hello, my dear students. Welcome to Science Adhyan. I hope you all are good and doing your preparation for NSO level 2. So, in this video, we are going to study some important questions for NSO level 2, and these questions are for class 9th students. So, watch this video till the end. Now, before starting this video, if you are new in our channel, please subscribe our channel and press the bell icon so that you will get all notifications for further videos. Now, start the video.

प्लानट्स होते हैं वो क्या होते हैं ये स्टार्स के कंपैरिजन में हमारे अर्थ से क्या होते हैं ये पास होते हैं तो इसलिए ये ट्विंकल करते हुए हमको नहीं दिखाई देते हैं लेकिन जो स्टेटमेंट टू बोल रखा है द स्टार्स आर मच बिगर इन साइज दैन द प्लैनेट्स तो जरूरी नहीं है कि ये जो रीज़न है वो ट्विंकलिंग के लिए जो रीज़न है ये काफ़ी है तो इस तरह से स्टेटमेंट टू जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी दैट इज स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट टू इज फॉल्स यहाँ पर इसका ये राइट right आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू इज साउंड वेव्स ट्रेवल एट 350 मीटर पर सेकंड थ्रो एयर एंड एट 3500 मीटर पर सेकंड थ्रो ब्रास द वेवलेंथ वे सेवन हंड्रेड हर्ट एक्स्टिक वेव एज इट एंटर्स फ्रॉम फ्रॉम ब्रास वार्म एयर ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज बाय ए फैक्टर टेन ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज बाई ए फैक्टर ट्वेंटी ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज बाई ए फैक्टर टेन एंड ऑप्शन नंबर डी इज डिक्रीज बाई अ फैक्टर ट्वेंटी तो यहां पर क्या क्वेश्चन बोला गया है कि एक साउंड वेव है जो कि ट्रेवल कर रही है वार्म एयर के थ्रू तो यहां पर इसकी स्पीड दे रखी है

तो यहाँ पर जो है सी ए यानी कि जो वर्म एयर में जो है इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी दे रखी है 350 मीटर पर सेकंड तो हमने इसे यहाँ पर सी ए लिखा है उसके अलावा जो है ब्रास में जो है साउंड की जो है यहाँ पर वेलोसिटी है वो कितनी दे रखी है यानी कि सी बी तो इतनी दे रखी है पैंतीस सौ मीटर पर सेकेंड तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे सी इक्वल टू एन लेमडा तो सी ए के लिए हो जाएगा एन लेमडा ए और सी बी के लिए हो जाएगा एन इक्वल टू एन लेमडा भी जहाँ पर की ये जो है ये एयर में इसकी वेवलेंथ है और यहाँ ये यह ब्रास में लेमडा भी जो है इसकी ये वेवलेंथ है साउंड की तो यहाँ से हम लेमडा बी की वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो सी ए अपन सी बी इक्वल टू लेमडा ए अपन लेमडा बी तो यहाँ पर जो है आप जो है वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो इस तरह से जो है यहाँ पर लेमडा बी की जो है वो वैल्यू निकल करके आ जाएगी तो लेमडा बी इक्वल टू हो जाएगा टेन लेमडा ए यानी कि जो यहाँ पर जो है ब्रास में जब ये एंटर कर रही है तो वहाँ पर जो इसकी जो वेव लेंथ है वो क्या हो जाएगी तो ये टेन जो है ये टेन जो अमाउंट से जो है ये यहाँ पर ये जो है इंक्रीज कर जाएगी क्वेश्चन नंबर थ्री इज डेंसिटी चेंजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच मेथड ऑफ थर्मल एनर्जी ट्रांसफर ऑप्शन नंबर ए कंडक्शन ओनली ऑप्शन नंबर बी कन्वेक्शन ओनली ऑप्शन नंबर सी इज रेडिएशन ओनली एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दिस तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डेंसिटी में अगर चेंज होता है तो इनमें से कौन सा थर्मल एनर्जी ट्रांसफर का जो मेथड है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है तो डेंसिटी अगर चेंज होती है तो यहाँ पर जो प्रोसेस होती है तो ये है कन्वेक्शन की प्रोसेस तो कन्वेक्शन की प्रोसेस क्या होती है है तो इसमें क्या है हीट का ट्रांसफर होता है एक सॉलिड सरफेस से किसी भी नॉन सॉलिड सरफेस की ओर तो यहाँ पर सॉलिड सरफेस से क्या होता है है हीट की जो है, यहां पर ट्रांसफर होती है तो इस प्रोसेस में क्या है कि जो सॉलिड होते हैं उसकी जो डेंसिटी है वो क्या होने लगती है अगर यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करने लगती है जिसके की कारण ये लाइट हो जाता है और ये ऊपर की ओर उठने लगता है तो इस तरह से ये कन्वेक्शन की प्रोसेस जो है उसके लिए डेंसिटी ही रिस्पॉसिंग होती है तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका यहां पर ये राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर इज अ पर्सन यूज फोर्स एफ शो इन द फिगर टू मूव ए लोड विद द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑन ए गिवन सर्फेस आइडेंटिफाई द करेक्ट सर्फेस प्रोफाइल तो यहाँ पर जो है कि ये दे रखा है यहाँ पर फिगर जिसमें कि एक पर्सन जो है वो फोर्स को अप्लाई कर रहा है लोड को जो है वो मूव करने के लिए और इसके साथ में ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी यहाँ पर दे रखी है तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि इन चारों में से कौन सा जो ऑप्शन है तो यहाँ पर जो है करेक्ट सर्फेस प्रोफाइल जो है इन चारों में से कौन होगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो फोर्स

तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो है मैग्नीट्यूड जो है वो ये वर्क करेगा तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका ये राइट right आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव इज अ शेल इन फ्लाइट एक्सप्लोर्स इनटू फोर अनइक्वल पार्ट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्व ऑप्शन नंबर ए पोटेंशियल एनर्जी ऑप्शन नंबर बी मोमेंटम ऑप्शन नंबर सी काइनेटिक एनर्जी एंड ऑप्शन नंबर डी इज बोथ ए एंड सी तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोला गया है कि एक जो शेल है वो फ्लाइट में क्या हो रहा है ये चार अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है सपोज कीजिए ये एक शेल है तो ये चार जो है ये अनइक्वल पार्ट्स में जो है ये डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर कौन जो है वो कंजर्व होगा तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा तो यहाँ पर जो मोमेंटम है वो जो है यहां पर कंजर्व होगा इसके अलावा जो दे रखे यहां पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तो ये क्या है ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है तो ये किसके इक्वल है ये टोटल जो है ये मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होता है तो अगर ये कंजर्व होते हैं तो या तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी या फिर पोटेंशियल एनर्जी जो है कंजर्व होगी तो इन दोनों में से कौन कंजर्व होगी ये कहना भी मुश्किल है लेकिन यहां पर जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा मोमेंटम क्योंकि यहां पर जो है ये कंजर्व ये रहेगा तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बीस का ये राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स इज थ्री डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास एम वन एम टू एंड एम थ्री आर अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ओ अलाउ थ्री डिफरेंट फ्रिक्शन लेस पाट द स्पीड ऑफ द थ्री ऑब्जेक्ट्स रीचिंग इन द ग्राउंड विल बी इन द रेशियो ऑप्शन नंबर ए एम वन रेशियो एम टू रेशियो एम थ्री ऑप्शन नंबर बी वन इज टू वन इज टू वन ऑप्शन नंबर सी वन इज टू टू एम टू इज टू थ्री एम थ्री एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि तीन जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं जिनके कि मास दे रखे एम वन एम टू एंड M3 तो ये क्या कर रहे हैं रेस्ट से एक सेम पॉइंट ओ से ये नीचे की ओर जो है ये गिर रहे हैं ग्राउंड के साइड में तो यहाँ ये जो इसका जो पाथ है ये क्या है ये फ्रिक्शन लेस पाथ है तो यहाँ पर जो है तीनों ऑब्जेक्ट की यहाँ पर स्पीड का रेशियो पूछा गया है तो जो स्पीड होती है वो सबसे पहले क्या होती है वो मास पर डिपेंड नहीं करती है तो तीनों जो डिफरेंट है, ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके कि मास दे रखे हैं डिफरेंट तो स्पीड जो है पर, जो है वो डिपेंड नहीं करेगी तो इसके अलावा जो है स्पीड किस पर डिपेंड करेगी तो जो ये नीचे की ओर जो है ये जब ये इस तरह से जो है ऑब्जेक्ट जो है वो गिर रहा होता है तो स्पीड का जो फॉर्मूला है तो क्या लगेगा बी इक्वल टू जो है वो जाएगा रूट टू जी एच यानी कि जो स्पीड है वो हाइट पर डिपेंड करती है तो ये अगर सेम हाइट से गिर रहा है तो ये जो वेलोसिटी है तीनों की वो भी सेम हो जाएगी तो इनका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा तो वन रेशियो वन रेशियो वन, वन यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन इज द स्पीड ऑफ साउंड इन सर्टेन मीडियम इज नाइन हंड्रेड सिक्सटी मीटर पर सेकेंड इफ थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड वेव पास ओवर पॉइंट इन वन मिनट द देंथ इज ऑप्शन नंबर ए टू मीटर ऑप्शन नंबर बी फोर मीटर ऑप्शन नंबर सी एट मीटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज सिक्सटीन मीटर तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो साउंड है उसकी एक सर्टेन मीडियम स्पीड दे रखी है यानी कि सी कितना दे रखा है हमको नाइन सिक्सटी मीटर पर सेकेंड वहीं पर जो है यहाँ पर थ्री सिक्स हंड्रेड जो है ये वेव जो है पास कर रही है एक मिनट में तो यहां से हम फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे जो कि क्या होती है पर सेकेंड जो है नंबर ऑफ वेव्स होते हैं तो यहां से फ्रिक्वेंसी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा तो थ्री सिक्स जीरो जीरो अपॉन यहाँ पर सिक्सटी क्योंकि हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा ये सिक्सटी हर्ट हो जाएगा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी उसके बाद जब हम वेवलेंथ निकालेंगे तो फार्मूला लगाएंगे c इक्वल टू एन लेमडा तो यहाँ से लेमडा आप निकालेंगे तो c अपॉन एन तो ये कितना हो जाएगा तो यहाँ पर जो यह है ये नाइन सिक्सटी अपॉन सिक्सटी आप लगाएंगे तो कितना आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा सिक्सटीन मीटर तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एट इज सीमेटिक एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट वन टू थ्री एंड फोर आर गिवन बिलो द एलिमेंट्स विद हाईएस्ट एंड लिस्ट वैलेंसीज रेस्पेक्टिवली आर तो यहाँ पर जो है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर दे रखी है चार एलिमेंट्स के वन टू थ्री एंड फोर तो यहाँ पर जो है हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसके की हाइएस्ट वैलेंसी है और किसकी जो है यहाँ पर सबसे कम लिस्ट वैलेंसी है तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर वन क्या दे रखा है तो यहाँ पर जो है अंदर का जो के शेल है और एल शेल है वो पूरी तरह से फिल है मतलब ये जो है ये चारों में ही इस तरह से फिल है लेकिन क्या है हो रहा है कि जो आटा मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं वैलेंसी बोलते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने ये इलेक्ट्रॉन है तो वन में कितने हैं वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो इसको स्टेबिलिटी के लिए क्या करना होगा इसको जो है एक इलेक्ट्रॉन लेना होगा तो इसकी यहाँ पर जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी वन हो जाएगी सेकेंड में हम देख लेते हैं कितना है तो सेकेंड में कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव तो ये थ्री जो है इसकी यहाँ पर वैलेंसी होगी एट इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए एट के कारण ये स्टेबिलिटी इसकी यहाँ पर आएगी तो इस तरह इसकी वैलेंसी थ्री हो जाएगी उसके बाद थ्री में आप देख रहे हैं कि आटो मोसिड शेल में कितने हैं एट इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि ये जो है ये कम्पलीट ऑक्टेट है तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी फोर्थ तो में कितने हैं हमारे तो ऑटो मोस्ट शेल में कितने हैं फोर है, है यानी कि ये फोर इलेक्ट्रॉन्स और, और लेगा तो इस तरह से इसकी जो वैलेंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पर फोर हो जाएगी तो सबसे ज़्यादा जो वैलेंसी है कितनी है फोर्थ की है और सबसे कम जो है थर्ड की है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइन इज स्टेट द साइट ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन ऑप्शन नंबर ए आउटर मेम्ब्रेन ऑप्शन नंबर बी इनर मेम्ब्रेन ऑप्शन नंबर सी स्ट्रोमा एंड ऑप्शन नंबर डी इज थाइलेकॉइड तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर दे रखी है और हमसे पूछा है कि यहाँ पर जो है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कौन से साइट पर होगा तो जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है ये लाइट इंडिपेंडेंट होता है यानी कि डार्क जो ये प्रोसेस होती है तो ये प्रोसेस कहाँ पर होगी तो ये प्रोसेस होती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज द साइंटिफिक टर्म फॉर बायलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ करेक्टराइज एज ऑप्शन नंबर ए स्पीसीज ऑप्शन नंबर बी टैक्सोन ऑप्शन नंबर सी फाइलम ऑप्शन नंबर डी नॉन तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोला गया है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए जो साइंटिफिक टर्म यूज़ किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है तो इस टर्म को बोला जाता है टैक्सॉन तो जो टैक्सोनोमी तो होती है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए ये टर्म यूज़ की जाती है तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर यह राइट आंसर हो जाएगा तो तो आज की वीडियो में हमने टोटल टेन क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि आपके एनएसओ लेवल टू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इन सारे ही क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना भी ना भूलें तब तक, तक के लिए ऑल द बेस्ट